कि बनकर उठूंगा सवाल कि बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। झारखंड राज्य के अंदर निर्मल महतो के नाम पर दो पार्टी चल रहा है, दो पार्टी का पेट चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी और अजसू पार्टी। ये दोनों पार्टी निर्मल महतो के नाम पर चला रहे हैं। दोनों को लंबे समय से सत्ता में मौका मिला है, लेकिन आज इनका कातिल कौन है पता नहीं, आज इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है और यहाँ पर देख सकते हैं कि शहीद निर्मल महतो जी का प्रतिमा लगा हुआ, तो जेल केएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो जी माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो वीर शहीद निर्मल महतो जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आज बहुत ही खास दिन है हम झारखंडियों के लिए। शहीद निर्मल महतो जी ने झारखंड निर्माण में पूरी भूमिका निभाई है, उनका पूरा योगदान रहा है। जो उन्होंने सपना देखा था 24 वर्षों में, क्या पूरा हो पाया है हम झारखंडियों के लिए? जी बिल्कुल नहीं हो पाया है। और इस बात का जवाब देने से पहले, झारखंड के मसीहा आंदोलन के प्रेरणादायक बिरसा के उलगुलान को आगे बढ़ाने वाले हमारे हैं मसीहा, जो हमारे खूनों के रगों में खून दौड़ने वाले हमारे प्रेरणादायक, जो एक एक रम में बैठने वाले हमारे आदरणीय शहीद निर्मल महतो को सर्वप्रथम हम सत सत नमन करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बताना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलन के दौरान आज के दिन यानी 8 अगस्त 1987 को अगर कुर्बानी नहीं होती, अगर बलिदान नहीं देते, अगर उनका शहादत नहीं होता, तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को इस राज्य अस्तित्व में नहीं आता। अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ देशों में अबुआ राज स्थापित करने को लेकर के हुआ है, तो इसके पीछे निर्मल महतो का शहीद, उसका त्याग और कुर्बानी है। लेकिन निर्मल दादा का बलिदान से, उनके निडरता से, उनके बताए मार्ग से, उनके साहस से आगे बढ़ते हुए हमारे आंदोलनकारियों ने झारखंड अलग राज्य तो लिया, लेकिन क्या अलग राज्य होने के बाद 24 सालों में उनके सपनों का राज्य बना? बिल्कुल नहीं बना। नहीं बना तो आखिर इसका सपना को पीछे कौन छोड़ा? ये नहीं बना, क्यों, कैसे इसका पीछे छूट गया इसका सपना? तो आप पार्टियां दादा राजनीति रोटियां सेक रही हैं शहीद निर्मल महतो के नाम पे। जी बिल्कुल, इस झारखंड राज्य के अंदर निर्मल महतो के नाम पर दो पार्टी चल रहा है, दो पार्टी का पेट चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी और अजसू पार्टी। ये दोनों पार्टी निर्मल महतो के नाम पर चला रहे हैं और निर्मल दोनों को लंबे समय से सत्ता में मौका मिला है, लेकिन आज इनका कातिल कौन है पता नहीं, आज इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, आज इनका सपनों का झारखंड नहीं। इनका सपना क्या था? ये सोचते थे कि जब एक हमारा अलग राज्य होगा, मिट जाए कोई दिक्कत नहीं, हम कुर्बान हो जाए, बलिदान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मेरा झारखंड अलग राज्य हो तो मेरा अलग झारखंड खुशहाल हो, यहाँ के लोग चैन से रहें, यहाँ के लोग निडरता से रहें, यहाँ कोई करप्शन ना हो, यहाँ के जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण हो, यहाँ के हित में नीति कानून बने, खतियान के आधार पहचान हो, स्थानीय नीति हो, उसी के आधारित नियोजन हो, नौकरी हो, यहाँ के किसानों जो है कि साल में 4 बार खेती करे, खेत में पानी हो, यहाँ के मजदूरों को उचित मुआवजा मिले, उनका मजदूरी मिले, यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी के हित में यहाँ का जो माइनिंग है, कोयला है, बालू है, अबरक हो, यहाँ का विकास के लिए हो। लेकिन आज देखिए 24 साल के झारखंड में उनका सपना का झारखंड के विपरीत दिशा में चल रहा है, यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसीलिए आज हम कहना चाहते हैं कि निर्मल दादा जो बोल के गए थे एक बात कि बनकर उठूंगा सवाल कि बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, इसके पीछे का बाइक का बहुत बड़ा महत्व है। यह इसलिए कहे कि जो वीर होते हैं उनका मौत नहीं होता, उनका देहांत नहीं होता, उनका जो आत्मा है इस आओ हवा में, इस जल जंगल जमीन पेड़ पौधा में, यहाँ के पानी में, यहाँ के धान चावल में पूरी तरह समाहित हो जाता है, ताकि आने वाले दिन में जब यहाँ जुर्म बढ़े, जब यहाँ अन्याय बढ़े, जब यहाँ शोषण बढ़े, तो यहाँ इस सरजमी पर और क्रांतिकारी पैदा हो। और आज हम लोग इस सरजमी पर निर्मल महतो का आत्मा जहाँ समाहित है, जिस आओ हवा में,
जिस पेड़ पौधों नदी नाला में इसी आओ हवा का सांस लेकर के हम लोग का जन्म हुआ है और हम लोग निर्मल दादा का सपना को साकार करके ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं।